सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल MDR ब्लॉग को सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल MDAR ब्लॉग। आज की मेरी ब्लॉग वीडियो शहडोल डिस्ट्रिक्ट के शहडोल जिले के उन चुनिंदा खतरनाक गांव की है। और यह गांव खतरनाक क्यों है, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस ब्लॉग वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल MDAR ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जो कि पूरा सारंगपुर रोड का था और सारंगपुर गाँव की थी, और इससे पहले भी एक वीडियो थी जो सरई घाट की थी। तो अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और गाइज, हमारे शहडोल डिस्ट्रिक्ट शहडोल सिटी की बहुत सारी वीडियो मेरे ब्लॉग में पड़ी है, MDAR ब्लॉग में, तो उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं, जैसे कि शहडोल ज़िले का आखिरी गाँव और अमराहा मार्केट और शहडोल ज़िले में घूमने की जगह है। ये सारी वीडियो आपको मेरे चैनल MDAR ब्लॉग में मिल जाएगी। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी वीडियो जो है पर डे, मतलब किसी ना किसी दिन आती रहती है, तो आपको भी नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको जो है हमारे आसपास हमारे शहडोल डिस्ट्रिक्ट के शहडोल ज़िले के जो भी विभिन्न गाँव हैं उनकी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, मेरी जो पिछली ब्लॉग वीडियो थी शहडोल ज़िले की खूबसूरत गांव सारंगपुर गांव तक की थी, तो यहीं से हम लोग जो है कवर कर रहे हैं ब्लॉग वीडियो। अभी आप देख सकते हो कुल्हारू टोला से निकलकर, जो कि सारंगपुर गांव के अंतर्गत आता है, ये हम आ गए हैं कोदबार। तो कोदबार का ये जो खूबसूरत सा पौंड तालाब जो देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बड़ा है। तो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हो जो कोदबार कला है, ये तालाब, तो सारे जो गांव के निवासी हैं खेत में पानी सींचने का काम करते हैं, गाय भैंसों को पानी पिलाने का काम करते हैं और इसी पे आश्रित रहते हैं। इधर का जो रोड है वो बहुत ही अच्छा है, बना हुआ है कोदबार में, ये देखिए पूरा सीमेंटेड है, तो गाड़ी चलाने में भी बहुत अच्छा लगता है जहाँ। और अभी ये गाँव क्यों है ख़तरनाक, वो तो आप ब्लॉग वीडियो में देख ही लेंगे और उनकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो गांव है सारंगपुर गांव, कोदबार गांव, कठई गांव, सर और पथखई, ये शहडोल ज़िले से लगभग, जो हमारा शहडोल रेलवे स्टेशन है वहां से लगभग 27 से 28 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। वहाँ से आप सारंगपुर रोड से भी आ सकते हैं और हरदी रोड से भी आ सकते हैं। तो ये आपको सारी चीज़ें जो है, ये गांव आपको, गांव के खूबसूरत नज़ारे, हरे भरे पेड़ पौधे, जंगल और सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एक पर्यटन स्थल की तरह बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इधर जो है ठंडी गर्मी बरसात किसी भी मौसम में आए, क्योंकि हरे भरे खूबसूरत पेड़ पौधे हैं जो कि एक आकर्षित और मनमोहक रूप ले लेते हैं। तो गाइज, देखा जाए तो मतलब अधिकतर जगहों तक ये जो पक्की सड़क है उसका निर्माण कार्य हो चुका है और बहुत सारी जगह जो है बचा हुआ है। तो आज की आप इस ब्लॉग वीडियो में आप देखेंगे, ये देखिए जैसे कि एक पुल आया है, तो यहाँ पुल का भी निर्माण हुआ है और यहाँ सीमेंटेड रोड है जो कि कोदबार कला के आसपास है। तो इस तरह से जो है कच्चे पक्के मकान, जो ग्रामीण एरिया है, जैसे आप देखा जाए तो अभी भी आप रास्ते में देख रहे हैं बहुत दूर दूर तक, लगभग आधे एक किलोमीटर में एक घर पड़ता है, और इस तरह से जो ग्रामीण निवासी हैं वो रहते हैं। और यहाँ का वातावरण बहुत ही खूबसूरत रहता है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं, ताज़ा ताज़ा सारी चीज़ें रहती है। तो और जी, यहाँ का जो रोज़मर्रा का जो खेती बाड़ी व्यवसाय ही है, एक तरह से आप व्यवसाय ही समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ सारे लोग जो है खेतीबाड़ी पे ही आश्रित रहते हैं, उन्हीं से जो होता है गुजारा घर का चलता है और खान पान की व्यवस्था भी उन्हीं सारी चीज़ों से होती है। तो इस तरह से बहुत सारे गांव आते हैं, आप कहीं भी मतलब एक ही टाइप में दिखता है, चाहे आप कोदबार कला ले लो, और जैसे ये हम हरदी के पास आ गए हैं, तो यहाँ से टर्निंग
मुड़ते हैं और सिराज हम लोगों को लेके जा रहा है। तो सिराज एक अच्छा ड्राइवर भी है, तो इस तरह से जो है हम दूसरे रूट पे आ गए हैं और इधर से हम जाएंगे सामतपुर और भानपुर। तो आज जो है बहुत सारा मतलब गांव जो है विजिट किए हैं, समथिंग सारंगपुर हो गया, उसके बाद कोदवार, कठई और इसके बाद जाएंगे सामतपुर, फिर उसके बाद भानपुर। तो इतने सारे ये देखिए खूबसूरत हरियाली और खूबसूरत पेड़ पौधे, तो एक आकर्षित लगता है, आकर्षित नज़ारा। और ये पारंपरिक तरीके से खेती हो रही है, जो कि सारे लोग अपने अपने काम पर व्यस्त हैं। तो गाइस ये जो खेती हुई है ये देख सकते हो बहुत ही सुंदर फसल है गेहूं की। तो सारे जो ग्रामीण वासी हैं वो अपनी मतलब अपनी क्षमता के अनुसार अपने तरीके से गार्डनिंग करते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। ये इस तरह से गांव है सामतपुर का। तो अभी ये देखिए कच्चे पक्के मकान इधर जो है बस्ती टाइप में है, हल्की फुल्की। तो पूरे ग्रामीण एरिया में हम लोग हैं और यहाँ जो है कच्चे पक्के मकान भी है और पगडंडी सड़क भी है। तो इस तरह से जो है अभी बहुत सारी जगह जो है सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ है, तो वहाँ हम आपको दिखाएंगे। और इसलिए खतरनाक गांव है क्योंकि आपको खुद बखुद पता चल जाएगा आफ्टर ऑल ये गांव खतरनाक क्यों है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो ग्रामीण एरियों का हाल है वो तो आप देख ही चुके हो, कुछ किस तरह से रहता है। बहुत दूर दूर तक मकान है, मतलब लगभग एक आध किलोमीटर में एक मकान पड़ता है। और रहवासी जो है वो पूरे ग्रामीण लोग जो हैं वो खेतीबाड़ी पे डिपेंड करता है, मतलब आत्मनिर्भर है। और इतनी दूर में इतना पूरा गांव देख लिए, लेकिन इस केवल एक ही दिखा था। यहाँ पास एक मंदिर भी आ गई है और ये जो है सामतपुर का है। तो हम लोग जो है फिलहाल सामतपुर पहुँच गए हैं और यहाँ से जो है एक पगडंडी रास्ता, आप देखिए यहाँ जो है ऐसे कुछ ख़तरनाक रास्ते हैं, मतलब जिनमें चलना दूभर है और ये सालों से ऐसे ही पड़े हैं। तो इस तरीके से जो है आप इधर से चाहे आप भानपुर चले जाएं, चाहे सामतपुर चले जाएं, कठौतिया चले जाएं, जहां भी आप जाना चाहते हैं, यहां एक स्कूल आगे, तो यहां का जो रोड है वो आपको इस तरह से ही दिखेगा। लगभग ये साल भर से आसपास हो गए हैं, लेकिन इनका निर्माण कार्य जो है एक बस लेवल तक मुरुम या गिट्टी बस बिछा दी गई है और उसके अलावा कोई भी कार्य नहीं होता। तो गाइज मैं आपको बता रहा था कि ये गांव आफ्टर ऑल खतरनाक क्यों है, क्योंकि इनमें चलने के लिए बहुत सारे मतलब एहतियातन चलना पड़ेगा। जैसे अगर फोर व्हीलर से आ गया, टू व्हीलर से, ये देखिए तो इस तरह से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ के जो रहवासी हैं ग्रामीण लोग जो है उनकी बोली भाषा तो आप जानते हैं कि एक देहात में किस तरह बोली भाषा होती है। तो इस तरह से जो है कठई कोदवार के लोग नेचर की तो भलाई आप कुछ भी बोलो, लेकिन इधर अधिकतर जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासी लोग गोड़, कोल और जो है बैगा जनजाति निवास करती है। तो उनकी बोली भाषा तो आप समझ ही सकते हो। बाकी अगर किसी से जैसे देखा जाए तो मेहमान नवाजी के लिए अगर जिससे खुश होते हैं लोग, तो बहुत ही अच्छी मेहमान नवाजी होती है, नहीं तो फिर तो देखते ही बनता है कि यहाँ का नज़ारा। यहाँ एक खूबसूरत सा घर भी बना हुआ है जो कि सामतपुर में है। और आप किसी भी मतलब इतने दूर से हम लोग पूरे एरिया में आप देख रहे हो कितने दूर से कवर करके आ रहे हैं, लेकिन आपको जो है वही सेम टू सेम वैसे ही घर, वैसे ही रहवासी और सारी चीज़ें दिख रही है, कहीं अलग सा देखने को माहौल नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से जो है ग्रामीण एरियों का हाल रहता है और जो है बहुत ही एहतियातन जो है सिराज गाड़ी चला रहा है। तो इस तरह से गांव है हमारे शहडोल डिस्ट्रिक्ट के शहडोल सिटी से, और शहडोल सिटी से लगभग 28 या 29 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। चूँकि आप इधर जो है भानपुर, सामतपुर, कठौतिया और जो भी इधर के गाँव हैं वो आप सिंहपुर रोड से भी आ सकते हैं, सिंहपुर, अमराहा। और इधर से अगर आप बुढ़ार रेलवे स्टेशन से आते हैं तो सबसे पहले आपको धनपुरी का नेहरू डिग्री कॉलेज जो है वहाँ से होते हुए आपको करकटी, सरईकापा और खैरहा और फिर यहाँ भानपुर, सामतपुर आप इजी वे में आ सकते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ से एक और सीमा प्रारंभ हो गई जो कि ग्राम पंचायत सामतपुर का है।
और इस तरह से अभी बहुत दूर दूर से कंस्ट्रक्टेड काम जो है होने बाकी है। तो आप सोच सकते हैं कि कैसा मतलब हाल होता होगा ग्रामीण एरियों का, अगर बारिश के मौसम में बारिश होती होगी तब तो चलना दूभर हो जाता होगा। लेकिन खुशी इस बात की है इधर बहुत अच्छी तरीके से जो है खेती बाड़ी का काम होता है और ये मनमोहक नज़ारा तो देखते ही बनता है। अभी यहाँ जो है यूरिया की सिंचाई हो रही है, मतलब यूरिया डाला जा रहा है और ट्रैक्टर से खेती हो रही है। तो यहाँ जो है ग्रामीण लोग जो हैं अपने अपने तरीके से पारंपरिक तरीके से और जो भी वैज्ञानिक विधि है उससे भी खेती करते हैं। तो अभी हम लोग जो है कठई गांव नहीं गए हैं क्योंकि रास्ते में जो है कठई गांव जो है पड़ता है और वहाँ का खूबसूरत नज़ारा बहुत ही बेस्ट रहता है क्योंकि पहाड़ों के बीच का जो जंगल है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, बहुत सुपर रहता है, लाजवाब रहता है, एक हिल स्टेशन की तरह। तो गाइस ये है शहडोल जिले का पहाड़ों से घिरा सामतपुर गांव, सीमा समाप्त हो गया है। अब ये जो है कठौतिया गांव आ गया है और इधर जिस भी गांव में आप जाओगे सब जगह एक ही जैसे दिख रहे हैं। तो चलो कम से कम बहुत टाइम के बाद जो है इधर हम लोग दुकान दुकान थोड़ा सा मिला है और घर जो है बस्ती थोड़ा बहुत है। ग्राम पंचायत ये कठौतिया है। पहुंच गए हैं तो गाइस पता ही नहीं चल रहा है कि एक जैसे रोड है, बस धीरे धीरे यहाँ वहाँ जा रहे हैं और फिर से वैसे ही मोहल्ला सब जगह आप जो देख रहे हो ग्रामीण एरियो में। तो सब अब जो है पक्की सड़क आई है और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो है भानपुर का है और भानपुर जो है वो भी बड़ा एरिया है। तो अब यहाँ से जो है ब्लॉग वीडियो जो भानपुर का कवर करके उसके बाद जो है स्पेशली सरई घाट के लिए, जिसके मैं आपसे कब से बता रहा था कि जो मेरी ब्लॉग वीडियो आएगी वो सरई घाट की आएगी। तो सबसे पहले तो मैं सरई घाट की वीडियो डालूंगा, उसके बाद जो है भानपुर, कठौतिया, सामतपुर और सारी जगहों का वो आएगा। तो फिलहाल फिर से एक पगडंडी रोड आ गई, लगता है वो मोहल्ले बस में वैसे थे, थोड़ा सा रोड बना हुआ था और थोड़ी ही दूरी पर बस मेन रोड आने वाला है। जी हाँ, बस हम पहुंच गए हैं मेन रोड के पास। तो गाइस ये थी मेरी आज की ब्लॉग वीडियो शहडोल डिस्ट्रिक्ट के शहडोल सिटी के या मतलब शहडोल जिले का खतरनाक गाँव। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।